व्हाट्सअप गाइज, मेजर गौरव आर्य सर का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे इस वीडियो के अंदर, साथ ही साथ ये भी देखेंगे पाकिस्तानी मौलाना ने क्या कुछ कहा है इसराइल और हमास वाले मामले में। और पाकिस्तानियों का मैंने ये हमेशा देखा है कि उनको कुछ सर पैर की बात होना हो, लेकिन दुनिया में जिसने गलत करा उसकी तरफ हो जाएंगे। हाँ ये भी है, ये होता है। देखते हैं मेजर गौरव सर का क्या कुछ कहना है। चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे जितना हो सके शेयर। 1 2 3 गो। पाकिस्तानी कुछ डॉलर के लिए अपनी माँ को बेच सकते हैं। दोस्तों मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये बात, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है मेजर की। आप जाके इंटरनेट पे देखो, पाकिस्तानीज कैन सेल देयर मदर्स फॉर अ फ्यू डॉलर्स। 1500 2000 के करीब जो उनसी हैं वहां पे हमास वालों की डेड बॉडीज भी मिली हैं हम उधर गजा में। क्या कहेंगे आप? अल्लाह तौबा, इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से। वकुल जाल हक वजाहकल बातिल, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे हैं। इनल बातिल अकाना मशहूदा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। हक अल्लाह की मेहरबानी से फतह याब जरूर होगा। अल्लाह ताला मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। तो पढ़ रहा है सच में यार, क्या था ये? और अल्लाह ताला इसराइल का बेड़ा गर्क करेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमास को अपने गायब के खजानों से जरूर फतह याब करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, इसराइली वायुसेना हर 4 घंटे में फिलिस्तीनी इलाके में एयर स्ट्राइक कर रही है। वाह भाई वाह। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना ने दक्षिण में बड़े पैमाने पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। वाह भाई वाह। और सीमा पर पूर्ण नियंत्रण भी बहाल हो गई है। वाह भाई वाह। इजरायली सेना ने 1500 हमास के आतंकियों को ठोक दिया है। इजरायली सेना के मुताबिक इजरायली क्षेत्र में हमास के आतंकियों के 1500 शव मिले हैं। वाह भाई वाह। बेहतर उन्होंने भी शिकायत की है कि हम इजरायल की वजह से बहुत परेशान है। जरा सोचिए, किसी मौलवी ने पूछा क्यों, तो बोला हमको बहुत ओवर टाइम करना पड़ रहा है। समझ गया। हमास ने जितना नुकसान इजराइल को पहुंचाना था पहुंचा दिया। क्या बात है। अब बैटिंग की बारी है इजराइल की, और इजराइल बैटिंग कर रहा है। ऐसे नहीं चलेगा। इजराइल ने बैटिंग शुरू की वहां पर, और छक्के पड़ रहे हैं पाकिस्तान में। ये चीख रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, और हमास के समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहां पर नौजवान पाकिस्तान में फलस्तीन का परचम पकड़े बड़ी तादाद में रोड पे रैलियां निकाल रहे हैं। लब्बैक लब्बैक अल जिहाद अल जिहाद के नारे लग रहे हैं। यही वो पाकिस्तानी है, जब हमास ने हमला किया था तो सबसे ज्यादा जश्न भी यही लोग मना रहे थे, और आज सबसे ज्यादा विक्टिम कार्ड कौन खेल रहा है, यही लोग कर रहे हैं। एक बात याद रखना, जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं वो भी आतंकवादी ही होते हैं। पाकिस्तानी मौलानों की जहालत तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान की जो ऑफिशियल यूएन के अंदर जो राजदूत है उसको सुने आप। तर्जुमान ने मजीद कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत मिलना चाहिए। इसको तो मेजर साहब ही सही पहल सकते हैं। यू आर राइट ब्रो। हेलो मेजर साहब, अपने अंदर से जो तेरा जो इस्लामी आतंकवाद जिहादी जो है उसको बाहर निकाल, ठीक है, और सबसे पहले अपने देश को बचा। तेरे देश में भुखमरी है, और वैसे भी किसी भी समय भारत घुस जाएगा और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान को वापस ले लेगा। अपने देश की सोच बेटा, और ये फिलिस्तीन फिलिस्तीन ये कश्मीर फश्मीर ये करना भूल जा। दुनिया जानती है कि तुम लोग भिखारी हो, दुनिया ये जानती है कि तुम लोग आतंकवादी हो, तुम लोग 4-4 बार FATF की ग्रे लिस्ट में जा चुके हो, क्यों अपने आप को दोबारा फंसा रहे हो, क्यों फंसा रहे हो? और ये पाकिस्तानी कह रहा, मैं नाम पढ़ते ही समझ गया पाकिस्तानी है। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फरेब, इतना बड़ा फ्रॉड और इतना बड़ा जिहादी माइंडसेट सिर्फ एक पाकिस्तानी का हो सकता है। एक वकील ने कहा था, आप जाके इंटरनेट पे देखिएगा, यू मस्ट लुक इट अप ऑन द इंटरनेट। एक अमेरिकन वकील ने बोला था कि पाकिस्तानी कुछ डॉलर के लिए अपनी माँ को बेच सकते हैं। दोस्तों मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये बात, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है मेजर की। आप जाके इंटरनेट पे देखो, पाकिस्तानीज कैन सेल देयर मदर्स फॉर अ फ्यू डॉलर्स। क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इसको सही टक्कर लगा देते तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़ैनब बलोच का कहना है कि गजा में शहरी आबादी और मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। उतर आया ना औकात पे, ये यूएन में घुसे, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। सबसे पहले पूछना चाहिए यूएन में जो सिक्योरिटी गार्ड पूछे, तुम कहां के हो पाकिस्तान के, बाहर जाओ। ओ भैया, ओ भैया, बाहर जाओ, बाहर रेडी लगाओ, तुम अंदर नहीं आ सकते, ठीक है, बाहर जाओ। ये करना चाहिए पाकिस्तान, ये पता नहीं यूएन के अंदर क्यों घुसा लेते हैं। अरे गहरे ना तू गहरे को, तुम भी आ जाओ, पाकिस्तानियों को घुसा रखा है। सोचो भाई, कमेंट में लिखो क्या पाकिस्तानियों को, यूएन छोड़ो, एयरपोर्ट छोड़ो, बस अड्डा छोड़ो, कहीं पर भी, मैं सुलभ शौचालय में भी घुसने नहीं देना चाहिए पाकिस्तानियों को। मैं तो सही कह रहा है कि झूठ बोल रहा है, लेकिन ठीक है जी। और ये लोग जिस अल्लाह को महान कहते हैं, अल्लाहू अकबर के नारे लगाते रहते हैं 2400 घंटे, दिन में 5 टाइम नारे लगाते हैं अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, लेकिन यही हमास के आतंकवादी अल्लाहू अकबर का नारे लगा के क्या करतूते कर रहे हैं। अल्लाहू अकबर के नारे पर महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, अल्लाहू अकबर के नारे पर बच्चों के सर तन से जुदा किए गए, अल्लाहू अकबर के नारे पर न्यूड महिलाओं का न्यूड परेड कराया गया, अल्लाहू अकबर के नारे पर छोटे छोटे मासूम बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह पिंजड़े में कैद करके एक एक करके निकाल करके बकरियों की तरह जबा किया गया, अल्लाहू अकबर के नारे पर पीरियड्स में खून से लथपथ महिलाओं को न्यूड परेड करा करके उसकी टांगे काटी गई, अल्लाहू अकबर के नारे पर लिपटी हुई अपने अपने काबिन के साथ अपने शौहर के कलेजे में डरी सहमी लिपटी हुई औरत को उससे अपने काबिन से
नंगहीन करके उसके सामने अपने खाविंद उसके खाविंद के सामने उसको नंगा करके उसको उठाया गया। अल्लाह अकबर के नारे पर मरी हुई औरतों के साथ बलात्कार करके वीडियो रिकॉर्डिंग की गई और उसके और उसके उसके नंगे शरीर पर अपने पैर को रंग करके उसके मुंह पर थूक करके वीडियोस बनाए गए। अल्लाह अकबर के नारे पर छोटे छोटे बच्चों को अनाथ किया गया। अल्लाह अकबर के नारे पर पुरुषों को जलील किया गया, उसकी जानें ली गई। इतनी घिनौनी हरकत तो शैतान ही कर सकता है, कोई इंसान नहीं कर सकता। ये खबीज के बच्चे हैं, शैतान के बच्चे हैं। इन हमास वालों को इजराइल जितना पहले उतना कम है। सही बात है। देखें गजवा बदर की आप हिस्ट्री ले लें, 313 सहाबा ग्राम थे। आपने मुझे पूछा है कि आप तकनीकों को मानते हैं, मेरा अपना दिमाग है, मैं तकनीकों को नहीं मानता। जब तक मुसलमानों के अंदर जितनी मर्जी तकनीक हो जाए, अब थोड़ी तकनीक है पाकिस्तान के पास, हमारा पूरा मुल्क खामोश है। कहाँ गई तकनीक? चक मारने। जब तक ईमान का जज्बा नहीं आएगा भाई, आप जंग नहीं जीत सकते। वो 313 दे सहाबा किराम जिन्होंने कुफर का बेड़ा गर्क कर दिया था, इंशाल्लाह इस दफा फिर तारीख अपना आप दोहराएगी अल्लाह के हुक्म से। ये जो मुट्ठी भर मुसलमान है, अल्लाह की मेहरबानी से अब अल्लाह टेक्नोलॉजी भी दे देगा। जब जज्बा सच्चा हो, लगन हो, तो अल्लाह की जात अपनी गैब से मदद फरमाती है। बड़े बड़े कंट्री इस तरीके से जो साथ खड़े हैं, हमारा खड़े होने का क्या आप समझते हैं? देखिए जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे जो हुक्मरान हैं, आप इनसे ये ना समझें कि ये खड़े नहीं हैं। ठीक है, ये जैसे भी हैं, इनके अंदर ईमान है, ये कलमा गो हैं, हमारी फौज कलमा गो है। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप भी कलमा गो हैं, आपके अंदर भी वो दुआएं मौजूद हैं कि किस तरह जो है ना हमने जो है ना दुआएं करनी है। तो अगर वो भाई हमारे अल्लाह के रास्ते में निकले हैं तो किसी टेक्नोलॉजी की मुझे परवाह नहीं, बल्कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी उनको नहीं रोक सकती। जंग हमेशा जज्बे से लड़ी जाती है। ठीक है, लेकिन आप ही कह रहे हैं कि जज्बे हमारे में कम हो चुके हैं। सर, हमारे में कम है, लेकिन जो मैदानों में उतरे हुए हैं उनके जज्बे तो हैं। अगर उनके जज्बे ना होते तो कश्मीर के हालात दिन ब दिन और बदतर होते जाते हैं। अफगानिस्तान की जंग जो है ना, कौन सी टेक्नोलॉजी से जीती गई है? क्या आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालें? कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी उनके पास, लेकिन अल्लाह की मदद थी। वो अल्लाह को मानने वाले थे, तहज्जुद में अल्लाह को मनाते थे। अच्छा, आज अगर पाकिस्तान के नौजवान से, यहाँ पे नौजवान खड़े हैं, ये सब नौजवान हैं, आज अगर इनसे कहा जाए कि भाई फलस्तीन चलो, वहाँ पे जाके जो उनसे उनके साथ मिलके आप जो उनसे जंग करो, तो क्या यहाँ से नौजवान जाएंगे जज्बे के तहत जाएंगे, या फिर क्या आप कहेंगे गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाए अपने तौर पे? नहीं, मैं गारंटी लेता हूँ पाकिस्तान की सरकार आज ये अनाउंस कर दे कि जाओ तुम जिहाद करो, इसराइल के ऊपर जाके फटो, मरो, जिहाद करो, बेहतर हो रहे तुम्हारा इंतजार कर रही है, तब भी कोई भी पाकिस्तानी नहीं जाएगा, क्योंकि सबसे बुजदिल कौम अगर कोई है तो ये पाकिस्तानी कौम है। सही बात है सर जी, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाए तो सबसे पहले आप जाने के लिए तैयार हो। ठीक हो गया। क्या आप जाने के लिए? आप अपना मुझे बताएं, आप क्या नहीं जाना चाहेंगे? मैं कहता हूं, मैं तो आपके सवाल में ही आपका जवाब मौजूद है। मैं कहता हूं, आप क्या इसके, अगर गवर्नमेंट कहती है कि मुसलमानों का साथ दो, हम गवर्नमेंट पाकिस्तान की उनके साथ खड़ी होती है। कौन सा मुसलमान ऐसा है? वो माली लिहाज से भी जाएगा, वो जानी लिहाज से भी जाएगा, और वो जज्बे से जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह जाएगा। खैर, इजराइल ने इनको पहलना शुरू कर दिया, अब ये विक्टम कार्ड खेलेंगे। सारे इस्लामी कंट्री अब विक्टम कार्ड खेलने पे आ गई है। इन्होंने वीडियोस बना लिए पहले, अब धीरे धीरे रिलीज करेंगे। पूरी दुनिया इस चीज को जान चुकी है, सबसे ज्यादा विक्टम कार्ड अगर खेलने वाली कोई कौम है तो ये आसमानी कौम है। और मैं एक बार फिर बोलूंगा, आतंकवादियों का समर्थन करने वाला भी आतंकवादी होता है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाते रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इतने टाइम से हमास पनप रहा है वहां पर, तब इनसे कुछ नहीं हुआ, तब सपोर्ट में हर चीज चलती है इनकी। और जब वो पता है ना, जब तक दूसरे के घर में कुछ हो रहा था तब तक स्वाद लेते हैं लोग, जब खुद हुआ तो कितनी जल्दी विक्टिम कार्ड निकाल के आए भैया। यही चीज है कि कहना आसान होता है, और ये इन अंकल को मेरे को लग रहा है कि अच्छा खासा इनका काम वाम चल रहा है, रोटी पानी मिल रही है, तभी ये इस तरीके से कैजुअल वे में टॉक कर रहे थे इस मामले पर कि हम तो चल जाएंगे। कहना आसान होता है भैया, ये सिर्फ कहना, कमेंट करना, और ये कमेंट करके कहना, और क्या बोलते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पब्लिक में खड़े होकर देना, वो फर्क होता है। उस हालात में अगर चले गए ना, 2 मिनट लगेगी रूह कांपने में, धरती पैर ऐसा लगेगा जमीन खिसक सी गई है। तो कहना बहुत आसान होता है, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि सीरियसली अगर आप
ये क्या कि डिफेंड कर रहे हो कि हमारे साथ गलत हो रहा है? अरे तुमने कर क्या दिया वहां पर? अब कितना गंदा करके कह रहे हैं, जब से इसराइल बना है तब से ही इनके ऊपर कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं अटैक करते हैं। अब क्या है, अब इन्होंने खुद ही इतने उल्टे सीधे वीडियो रिलीज कर दिए ना वो सब करके जो इंटरनेट पे, अब इनके पास वो विक्टिम कार्ड वाला ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि लोग मानेंगे ही नहीं। कुछ है, कुछ तो करेंगे ही करेंगे वो छोड़, बट जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है ना वो नहीं मानेंगे अब इनकी चीज़ें। इन्होंने करी थी ना हरकत ही ऐसी कर दिया। और वो मेजर गौरव आर्य सर की बात है कि जब से इसराइल बना था तब से ये लोग बार बार अरबी कंट्री जितने भी वहाँ के थे वो कोशिश करती थी, इसने पलस्तीनिया इन्होंने कोशिश करी थी कि उनकी ज़मीन हथियार ले, अरबी कंट्रीज कोशिश करती थी कि इनको हटा दें यहाँ से, कोशिश ये होती थी, लेकिन इसराइल इन्हीं को हरा के फिर इनकी ज़मीन पर कब्जा करता गया। माइंडसेट इनका उस तरीके का था वहां पर, लेकिन फिर इनकी फिर उन्होंने भाई अब आदमी ऐसे थोड़ी बैठा रहेगा, काउंटर तो करेगा, लेकिन आज इनको वो काउंटर चुभ रहा है धीरे धीरे। इनको ये नहीं बल्कि चुभना क्या चाहिए कि जो इन्होंने करा, जो बीज बोने चाह रहे थे ये, उसका फल इनको नेगेटिव मिल गया। अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।